अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 सेकेंड ईयर कॉनिक सेक्शन से, और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जस्ट ग्राफ है, तो अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप जस्ट क्या करो, उसमें फोकस निकालो और अब कुछ पॉइंट निकाल कर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह निकाल कर आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ग्राफ का कोई सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, पेपर में आता है, इसलिए मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। और सबसे पहले ये कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बआसानी तरतीब से वीडियो पहुँच सके। और थोड़ा सा एक ये कि अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे एक मोटिवेशन होती है ताकि मुझको भी एक आइडिया होता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। डन, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। और सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, जो क्या कर रहा होगा, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। डन है, यानी कि हमें कुछ कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के लिहाज से हम क्या करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को कॉनिक सेक्शन के बारे में यानी कि पैराबोला के फार्मूलाज के बारे में आइडिया नहीं है तो सबसे पहले वो क्या करे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैं अपलोड किया हूँ सबसे पहले आप उसको देखो, और उसको देखने के बाद आप क्या करो, इस वीडियो को देखो, क्योंकि सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको फार्मूलाज के बारे में आइडिया होना चाहिए। डन है, तो जो पार्ट वन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, वर्टेक्स हमें गिवन है 0.0 और जो फोकस हमें गिवन है वो किसके बराबर है, 3.0 के। डन है, यानी कि वर्टेक्स 0.0 और जो फोकस हमें गिवन है वो किसके बराबर है, 3.0। वर्टेक्स 0.0 का मतलब ये है कि शुरू के फर्स्ट 4 केस में से है, यानी कि वर्टेक्स हमें ये बता रहा है कि शुरू के फर्स्ट 4 केस में से, और अब ये फर्स्ट 4 केस में से कौन सा होगा जो हमें कौन बताएगा, फोकस, जो कि फोकस यहाँ किसके बराबर है, 3.0 के। तो हम जानते हैं पहले केस में जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है, 1.0 होता है। इसका मतलब ये है कि इस फोकस से हमें ये मालूम चल रहा है कि ये हमारा पहला केस है। डन है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फोकस का फार्मूला क्या होता है, 1.0 जो किसके बराबर है, 3.0 के। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करवाते हो तो आपका ए किसके बराबर हो जाएगा, ए आपका बराबर होगा 3 के। और पहले इक्वेशन की हम जो हम जानते हैं जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डन है, और ए हमारा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो इस तरह जो हमारा इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। आप ये भी लिख सकते हो या आप चाहो तो वाई स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी तरह जो इसका जो पार्ट टू है, आपको वर्टेक्स गिवन है किसके बराबर, वर्टेक्स 0.0 के, और जो इसका फोकस है वो किसके बराबर है, 0.-6 के। 0.0 से हमें ये मालूम चलता है कि शुरू के फर्स्ट 4 केस में से है, और चूंकि फोकस किसके बराबर है, 0.-6 के, तो हम जानते हैं कि हमारे पास फोर्थ केस में क्या होता है, 0.-a होता है। तो उसका मतलब जो हमारा पार्ट टू है वो कौन सा केस है, फोर्थ केस, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। डन है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद बनाओगे। अब मैं बना रहा हूँ इसका पार्ट थर्ड, जो कि हमारे पास क्या गिवन है, फोकस। फोकस किसके बराबर है, -2.0 के। और मजीद हमें क्या गिवन है, जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है वो किसके बराबर है, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 के। फोकस चूँकि -2.0 है तो हम जानते हैं कि सेकेंड केस में हमारे पास जो फोकस होता है वो क्या होता है, -a.0 होता है। जिससे हमें ये तो मालूम चल गया कि हमारे पास जो ये केस है वो कौन सा केस है, सेकेंड केस है। चूँकि फोकस क्या है, -2.0, और हम जानते हैं फोकस किसके बराबर होता है, -a.0 के। तो जब यहाँ से आप कंपेयर करवाओगे तो आपका a किसके बराबर हो जाएगा, आपका a बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 2। डन, और सेकेंड केस की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ए हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ए की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 4 × 8, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। चाहो तो आप यही इक्वेशन लिखो, या फिर जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। डन, नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो है इसका पार्ट 4। चूँकि इसमें आपको थोड़ा समझना है कि ये आपका कौन सा केस होगा, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ पर वर्टेक्स हमारे पास है 3.2 एंड एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड
are 5, 6 and 5, -2 डन है। यानी कि हमें क्या निकाला, हमें क्या गिवन है, एंड पॉइंट ऑफ फोकल कोड गिवन है, सॉरी फोकल कोड या फिर हमें यहाँ पे इसका गिवन है, ये लेटेस्ट वेक्टर हमें बुक के अंदर, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो हमें क्या गिवन है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट वेक्टर आर 5, 6 एंड 5, -2। अच्छा वर्टेक्स चूँकि 0, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास लास्ट के 4 केस में से है। अब लास्ट के 4 केस में से कौन से केस को वो हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वर्टेक्स हमारा किसके बराबर होता है, एच कॉमा के के, तो इसका मतलब क्या होगा, एच कॉमा के किसके बराबर होता है हमारे पास 3, 2 के। डन, तो यहाँ से जो हमारा एच है वो किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और जो हमारा के है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के। अब जो हमें एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है वो कितना गिवन है, 5, 6 एंड 5, -2। अब इससे हमें ये देखना है कि ये लास्ट 4 केस में से कौन सा केस होगा। तो देखिए हमें पॉइंट क्या गिवन है, 5, 6 और 5, -2, यानी कि इन दोनों पॉइंट में जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है वो सेम है और जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो क्या है, चेंज है। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए हम जानते हैं कि हमारा पहला केस क्या होता है, a, 2 है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सिस्टम क्या होता है, फॉर्मूले में लिखिएगा, पहले केस में a, 2 है। जो अब पहला केस से हमारा कौन सा केस बनता है, पांचवा केस। हम जानते हैं फर्स्ट कॉम्पोनेंट में हम h को ऐड करवाते हैं और सेकेंड कॉम्पोनेंट में हम क्या करते हैं, k को ऐड करवाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, h + a, k + -2 है। डन है। इसी तरह सेकेंड से हमारा क्या बनता है, 6 के, सेकेंड हमारे पास क्या होता है, -a, -a, +-2 है। जब उसमें अब h को ऐड करवाओगे तो वो क्या बनता है, h - a, k + -2 है। डन है। और इसी तरह से थर्ड केस से आप क्या बनाते हो, 7 केस बनाते हो। जो थर्ड केस में हमारे पास क्या होता है, 0, a होता है, इसका मतलब वो क्या बनेगा हमारे पास, कि जब h ऐड करवाओगे तो वो बन जाए आपके पास क्या, कि h - a, k + -2 है। सॉरी, जो हमारे पास थर्ड केस होता है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, वो क्या होता है हमारे पास, कि +-2a, a। जब इसमें आप h को ऐड करवाओगे तो क्या बनता है, h + -2a, k + -2a। या फॉर्मूला शीट में देखिएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि पांचवे और छठे केस में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और सातवां और आठवां केस में क्या होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि +-2a आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 5, 6 और 5, -2 है, ये या तो पांचवा केस है या फिर ये कौन सा केस है, छठा केस है। अब आपको देखना है कि ये पांचवा केस होगा या फिर छठा केस होगा। हमारा h किसके बराबर है, 3 के बराबर है। पांचवे केस में हमारे पास क्या होता है, h + a होता है, और छठे केस में हमारे पास क्या होता है, h - a होता है। यानी कि पांचवे केस के लिए हमारे पास जो भी आंसर होगा वो h से बड़ा होगा, और छठे केस में क्या होगा, जो भी आंसर होगा वो हमारा h से छोटा होगा। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमें पॉइंट कौन सा गिवन है, 5, 6 और 5, -2। और जो हमारा h है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसका मतलब ये है, जो 5 है वो h से ग्रेटर है, और हम जानते हैं पांचवा केस में हमारे पास क्या होता है, h + a होता है। तो इससे हम ये लगाते हैं कि ये हमारे पास कौन सा केस है, पांचवा केस है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम किसके बराबर होगा, मेरा h + a, k + -2 है। तो यहाँ से फिर हम जानते हैं कि h + a, इसे हम किस तरह सकते हैं, h + a, k + 2 है, एंड h + a, k - 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि h + a, k + 2 किसके बराबर होगा, 5, 6 के। तो यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, तो h + a किसके बराबर होगा, 5 के, और यहाँ से हमारा a किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो हमें h भी मिल गया, k भी मिल गया और 2 भी मिल गया। तो हम जानते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी, कि y - k² = 4ax - h। तो k की जगह पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, और h की जगह पर हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे। और फिर हमें क्या करना है, इसको सिम्प्लीफाई करना है, फार्मूला ओपन करना है, और सिम्प्लीफाई और फार्मूला ओपन करने के बाद जो हमें फाइनली आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, y² - 4y - 8x + 28 = 0। और ये इस तरह में क्या होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डर है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, इसका पार्ट 5 है, जिसमें में वर्टेक्स इसके बराबर है 0, 0 के, और कंटेंस द पॉइंट 8, 1। ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है।
अच्छा वर्टेक्स क्या है, 0.0 है, तो 0.0 से हमें मतलब ये है कि हमें इतना पता है कि जो इसका ये शुरू के फर्स्ट फोर केस में से, अब ये कौन सा केस हो सकता है, ये हमें कौन बताएगा पॉइंट, तो कंटेंस द पॉइंट 8.1, यानी कि दोनों पॉइंट क्या है पॉजिटिव है, और हम पैराबोला के चारों कर्व जानते हैं कि चारों कर्व क्या होता है हमारे पास, कि ये पहला कर्व, ये सेकेंड, सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप देखें एक पॉइंट इसमें क्या है 8.1 है और ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं इस वाले पार्ट में जो पूरा पैराबोलिक पाथ है वो कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों पॉइंट कहीं भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, लाजमी किसी न किसी एक पॉइंट को नेगेटिव होना है। इसी तरह जो हमारा फोर्थ केस है उसमें भी हमारे पास क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, यानी कंप्लीट दोनों पॉइंट हमारे पास, हम जानते हैं कि सेकेंड में और थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव नहीं होता। तो इससे मतलब हमारे पास ये कि या तो ये फर्स्ट केस है या तो फिर ये क्या है थर्ड केस है, क्योंकि इसका एक जो हिस्सा है वो कहाँ पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसका भी जो एक आर्म है वो कहाँ पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कंपोनेंट वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इससे ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि या तो ये फर्स्ट केस में या तो फिर ये किस में थर्ड केस में, चूँकि बुक के मुताबिक मैं बना रहा हूँ, इसमें भी हम मजीद कर सकते हैं कि इस पॉइंट को देख कर कि ये पहला केस है या फिर थर्ड केस है, चूँकि बुक में हमारे पास दोनों ही केस को लिया हुआ है, इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि या तो ये पहला केस है या फिर ये कौन सा केस है तीसरा केस है। पहला केस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और तीसरे केस की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। डन है, आपको किस तरह फाइंड करना है कि हम जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, चूँकि ये 8.1 पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो 8.1 लाजमी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मीन्स अब x की जगह पर 8 पुट करोगे और y की जगह पर 1 पुट करोगे, तो यहाँ से आपका a किसके बराबर आएगा 1/32 के, और अब अगेन क्या करोगे a की वैल्यू को यहाँ पुट करके इसकी इक्वेशन निकाल लोगे, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8x, जो इसका अनदर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आप खुद बनाओगे। आपको क्या करना है x की जगह पर 8 पुट करना है, y की जगह पर 1 पुट करना है, और फिर यहाँ से आप क्या करोगे a की वैल्यू निकाल कर अगेन इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। डन है, लास्ट जो आज का पार्ट है वो क्या है इसका पार्ट 6 है, जिसमें मैं फोकस बराबर है किसके बराबर है -5.3 के, और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स बराबर है वो किसके बराबर है y इज इक्वल टू 7 के। डन है, तो हमें इससे अभी ये करना है कि ये आपके पास कौन सा केस होगा, ये बहुत आसान सवाल है, आपको फोकस गिवन हो और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो आप इस झंझट पे नहीं आना पड़ो कि कौन सा केस है। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या कि पैराबोलिक के किसी भी पॉइंट से फोकस तक का फासला और डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या होता है सेम होता है, इस टाइप का एग्जाम्पल भी है तो आप उसको भी बना लेना। तो हम जानते हैं क्या अगेन कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट से फोकस तक का फासला और डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस थ्योरम को यूज़ कर लेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे क्या कि वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर इक्वल। डन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि px y लाई ऑन अ पैराबोला, यानी कि एक पॉइंट हम लेट कर लेंगे जो कहाँ पर लाई कर रहा है पैराबोला पर, उसको हम जानते हैं कि पी से लेकर फोकस तक का फासला और डिस्टेंस बिटवीन पी टू डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा बराबर होगा, और हम जानते हैं किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और एक लाइन और एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब जानते हो कि आप फर्स्ट कॉम्पोनेंट को फर्स्ट कॉम्पोनेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो और सेकेंड कॉम्पोनेंट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे पास क्या होगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, चूँकि माइनस 5 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसी तरह y माइनस 3 का होल स्क्वायर। लाइन हमें क्या गिवन है y इज इक्वल टू 7 है, इसका मतलब y माइनस 7, और हम जानते हैं डिमिटम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि कॉफिशन ऑफ x स्क्वायर प्लस कॉफिशन ऑफ y स्क्वायर, चूँकि x का कॉफिशन यहाँ पर क्या है 0 है, चूँकि x है ही नहीं तो y कॉफिशन क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ताकि ये स्क्वायर रूट क्या हो जाए कैंसिल, जैसे यहाँ पर क्या बचेगा वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, और 1 को मैं सकता हूँ डिवाइड बाय 1 चूँकि वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया जिस फार्मूला ओपन किया है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, बाकी दो टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पर ला रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही लिखा हूँ प्लस का 10x वैसे लिखा है,
यहाँ पर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर मैंने क्या लिखा माइनस का 6y, और ये माइनस का 14y है, तो उसके बाद क्या होगा प्लस का 14y, और कांस्टेंट क्या हमारे पास 25 प्लस 9 कितने होते हैं 34, और ये प्लस का 49 है, जब ये लेफ्ट साइड पर आएंगे तो क्या होंगे माइनस का 49, और इसको एड सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास क्या बनता है फाइनल आंसर, नेगेटिव इज रिक्वायर्ड इक्वेशन डन है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो को समझ में आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि मुझको भी आइडिया हो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, और एक गुजारिश आखिर में ये है कि प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप फार्मूला को समझो, और फार्मूला समझने के बाद आप क्या करो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप पक्के होगे, क्योंकि 8.1 है, फिर 8.2 एलिप्स है, फिर 8.3 हाइपरबोला है, और फिर 8.4 में अगेन पैराबोला आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।